निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर के निर्देश पर जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए निगम भिलाई एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वार्ड 19 राजीव नगर मंत्रीबाड़ी पहुंची, जहां उल्टी दस्त से प्रभावित क्षेत्र का सघन निरीक्षण करते हुए यहां के लोगों को जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूक किया गया तथा इससे संबंधित पॉम्पलेट का वितरण भी किया गया। वार्ड 19 राजीव नगर मंत्रीबाड़ी के निरीक्षण के दौरान लोगों को पानी उबालकर छानकर पीने की अपील की गई। वहीं कई क्षेत्रों से पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया। निगम की टीम ने शिव मंदिर लाइन, जंघेल भवन, कोऑपरेटिव लाइन, ग्राहक सेवा केंद्र के आसपास के सभी घरों में ग्रह भेंट एवं छिड़काव का कार्य किया। स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा ने बताया कि सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से पानी का उपचार किया जा रहा है। निगम के द्वारा घर घर क्लोरीन टैबलेट का वितरण भी किया जा रहा है और 20 लीटर पानी में एक टैबलेट के अनुपात में संग्रहित किए गए जल पात्र में डालकर एक घंटे के बाद सेवन करने की सलाह दी जा रही है। बरसात के मौसम में गर्म एवं ताजा भोजन करने एवं सड़े गले फल सब्जी भोज्य पदार्थ का सेवन नहीं करने की सलाह भी दी जा रही है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित डेंगू मलेरिया मच्छर जनित रोगों से बचाव हेतु अपने घरों एवं बाग बगीचे में बरसाती पानी जमा नहीं होने देने तथा खिड़कियों में लगे कूलर जो उपयोग नहीं किए जा रहे हैं उन्हें उतार कर रखने, घर के सभी टंकी पात्र में जिसमें उपयोग किए जाने हेतु पानी संग्रहित कर रखा जाता है उसमें समय समय पर सफाई करने की सलाह भी दी गई। टेलीफास का वितरण भी घर घर किया जा रहा है और इसके उपयोग के तरीके भी बताए जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।